तो राशन दे रही है, खा रहे हैं, लेकिन प्यास को कब मिटाई जा सकती है? इसके लिए पानी का जरूरत है हम लोग को। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी पदार्थ है और मैंने झारखंड गुमला में जल मीनार की कई समस्या को लेकर पानी का वीडियो बनाया है और अक्सर इसकी समस्या करप्शन की वजह से ही हुआ है। जल मीनार सही से ना काम करना, नया बनने के बावजूद ग्रामीणों को पानी ना मिलना, आधे गांव में पानी मिलना और आधे गांव में ना मिलना और घर घर पानी नहीं पहुंचना, ऐसे कई और समस्या है। ऐसा ही एक और गांव है जहां जल मीनार पुराने ही चापाकल में लगाया गया और आधे लोगों को पानी मिला और आधे लोगों को नहीं मिल रहा है। और जब वह दूसरों के पास बोरिंग या कुएं में या पास बने जल मीनार में पानी भरने जाया करते हैं तो अक्सर उनका झगड़ा हो जाता है। यह गांव सीलम पंचायत में है और जिसका कुलमुंडा फर्स्ट गांव है और टोला रुकरुम है, जहां ग्रामीणों को मजबूरन सुबह 3 बजे उठकर पानी भरने पड़ता है। तो आइए जानते हैं ग्रामीणों से। पानी भरने जा रहे हैं दादा? क्यों, घर में पानी नहीं है? नहीं है पानी। नहीं है पानी। पानी भरने के लिए चापाकल में गंदा निकलता है तो इधर आ जाते हैं, दूर ही पड़ता है। मैं नहीं है पानी, इतने भी पानी नहीं है। नहीं, 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 आगे है और उधर। आगे जाइएगा। हाँ, गर्मी में तो पानी ही नहीं मिलता है, इधर जाना पड़ता है, दूर दूर से हम लोग को भटकना पड़ता है एक डेगची पानी के लिए। इसमें है पानी। तो इसके लिए क्या नया बोरिंग किया है या उसी बोरिंग में डाला है? तो टोला को बोलते हैं शेर हटोली, तो वहाँ तो कोई लाभ नहीं मिलता ही नहीं है। और सरकार तो बोलती है कि हर जगह पानी हम लोगों ने पहुँचा दिया है। नहीं, हम लोग तरफ नहीं पहुँचाया है। तो जाती है तो हम लोग के लिए भी पानी नहीं मिलता है यहाँ। मतलब गर्मी में अगर आधा भर रहा है तो आधे लोग कैसे रह जाते हैं? अगर उधर नीचे तरफ जाएगी पानी भरने तो हम लोग के लिए इधर ऊपर के लिए पानी रहता, काहे कि लोग इतना सुबह सबसे पहले जाती है इलाका चोरी करने जाता है। हम लोग तरफ पानी और हम लोग के लिए भी इधर नहीं जाता, हम लोग तले रहते हैं और लोग पानी जाती है पानी लाने। मुखिया का भी कमी है, मुखिया से आगे का भी कमी है, उससे जो और आगे है उसका भी कमी है। तो अभी क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों को? घर घर में तो पानी पहुंचाएंगे तो बोला है, लेकिन अभी तक घर में तो पहुंचा भी नहीं किया है, आधा से अधिक घर बाकी है। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी नियुक्त करना है, क्या मिलता है आप लोग? एक लीटर की हम लोग पानी नहीं मिलता है तो 55 लीटर कहाँ, बहुत दूर के बाद। तो ये है सरकार की हर घर नल योजना, जहाँ ग्रामीणों को 55 लीटर तो छोड़िए, एक बाल्टी पानी भी मुश्किलों से नसीब हो रहा है। सरकारें योजना बना तो देती है मगर जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने की वजह से ये सारी मुसीबतें लोगों को ही सहनी पड़ती है। ग्रामीणों ने इस पर गुमला डीसी को चिट्ठी भी लिखी ताकि उनकी पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर किया जाए। आशा करते हैं कि इनकी पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर होगी। मैं आशीष, अभी झारखंड से।